हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। यार मैंने इसके ऊपर है ना एक पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं अभी दोबारा बता देता हूँ कि जो आफ्टर लैंग्वेज है वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, क्या है इसका प्रोसेस। तो लैंग्वेज कोर्स पे जो भी स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो जो आफ्टर वीज़ा है वो आपको, जैसे लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट हो गया आपको, उसके बाद क्या मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं वो बताऊँगा। तो चलो ये मैं बताता हूँ आपको, ऐसे इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। बाकी स्नोफॉल ज़बरदस्त वाली हो रखी है, देख सकते हो इतने सारे कोर्ट में गिर गई हुई है। तो कोई नहीं यार, तो ये बात है। तो चलो बात करते हैं कैसा क्या है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सीन दिखाता हूँ, वेदर वगैरह दिखाता हूँ कैसा क्या है बिल्कुल, और फिर मेरे को बताना आप। यहाँ पे देख सकते हो वेदर तो यार बिल्कुल जो है वो बर्फ गिरी हुई है, और यहाँ पे देखो ये ड्रम में भी कितनी बर्फ गिरी हुई है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, आप यहाँ पे जो है ये चाय कॉफ़ी वगैरह होगी ये ले सकते हो। ये प्राइस है यहाँ पे 200 रूबल, 350 रूबल, तो यहाँ पे ये ले सकते हो। सामने ये देखो साफ वगैरह कर रही है, और यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे हैं, फोटो वगैरह भी खींच सकते हो आप। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, जो लोकल लोग हैं ना वो भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, जो है ये फ्री में जो है ये ट्राई करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पे ये आपके लिए क्रेमलिन ये रहा सामने। काफ़ी मस्त है यार, मस्त मजा आ रहा है जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये बात करते हैं यार कि जो आपका है ना, कि आपका जो लैंग्वेज कोर्स है वो ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज कोर्स है आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप क्या करोगे लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट के। तो चलो मैं बता देता हूँ। तो आप है ना उसके बाद, जैसे आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप या तो इंडिया जा सकते हो वापस, या फिर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो दूसरे कोर्स के अंदर, और वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। कुल मिला के ये बात, आपका लैंग्वेज का जो वीज़ा लगेगा, जो कॉलेज का लगेगा चाहे यूनिवर्सिटी का लगेगा कोर्स का, तो वो एक्सटेंड हो जाता है बाद में, आपको दूसरे कॉलेज में या दूसरे जो है कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। आप चाहो तो इसी में भी ले सकते हो दोबारा। मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, तो जो अपने इंडिया से नहीं है, वो अपना साउथ अफ्रीका की साइड से है, तो वो ऐसे ही कर रहा है। तो उसने, उसको लैंग्वेज अच्छे से आई नहीं, तो उसने दोबारा एडमिशन ले लिया उसने, तो वो कर सकते हो आप दोबारा एडमिशन लेके अपना जो है वो काम वगैरह कर सकते हो। और जो है ये बात है, अपना लैंग्वेज आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, वर्क वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, वर्क वीज़ा भी एक्सटेंड होगा। आपको NOC मिलती है, वो लेनी पड़ती है कंपनी से, फिर उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो। तो अपना जो वर्क वीज़ा है और जो स्टूडेंट वीज़ा है, ये दोनों एक्सटेंड हो जाते हैं। बाकी टूरिस्ट वीज़ा पे ना तो आपको काम मिलेगा, ना आप ज़्यादा दिन रह सकते हैं। जितने दिन वीज़ा में वो है तो आप वो वहाँ पे रह सकते हो। ये बात अपने जो है ये टूरिस्ट वीज़ा की, और टूरिस्ट वीज़ा को आपका जाना ही पड़ेगा, जितने दिन हो यहाँ पे रह सकते हो, और लास्ट डेट के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये बात है। तो ये था यार, मैं सोचा आपको बताना जरूरी है वीडियो के अंदर, कि जो लैंग्वेज कोर्स है उसके बाद जो आपका वीज़ा वगैरह जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये है, बाकी मेरे नंबर आ रहे हैं यार, आपको कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए, एयरपोर्ट पे आ रहे हो उसका सर्विस चाहिए मेरे से तो बता देना। बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो भी बता देना, खुल जाएगा आपका। सिम कार्ड चाहिए वो भी दिला दूंगा, जो वगैरह चाहिए वो भी हो जाएगी, आपका रहने का भी हो गया, खाने का भी मैं बता दूंगा भाई। अब और चाहिए क्या, देखो आपको इतने सारी सर्विस मिल रही है, रहने का, खाने का, और जॉब का, पीने का जो है, पीने का मतलब वो नहीं अल्कोहल वगैरह, पीने का मतलब आपको पीने के लिए जैसे दूध वगैरह चाहिए, फ्रूट वगैरह चाहिए, सॉरी खाने के लिए, तो खाने पीने का कुल मिला के ये, तो आपको सारे अपने जो है हेल्प कर दूंगा जो भी मेरे से होएगी। मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मेरे को मैसेज कर देना। और जो फ़िलहाल मॉस्को में भी है, अगर उनको भी हेल्प चाहिए जॉब वगैरह से रिलेटेड, और आपको जो है अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो। और हाँ, जिसके पास अकोमोडेशन ऑलरेडी रह रहा है यहाँ पे, अगर उसके पास है जगह तो वो भी मेरे को बता देना यार, ताकि कोई आए तो मैं उनको भी बता दूँ कि ऐसे ऐसे बात है अकोमोडेशन की। तो ये बात है, तो आप मेरे को जो है वो बता देना। तो ये बात था यार, और ये था इस वीडियो के अंदर अपना गुरु। और करेंसी अगर आपको यहाँ पे आ रहे हो, करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवानी हो तो बता देना आप मेरे को, मैं करेंसी वगैरह भी एक्सचेंज करता हूँ अभी, फिलहाल पड़े हैं मेरे पास गूगल वगैरह चाहिए तो बता देना। और एयरपोर्ट पे है ना, आप जो है वो US डॉलर लेके आना, ठीक है। तो ये बात है, आई होप। तो ये थी वीडियो, मैं सोचा यार चलो मैं बता देता हूँ आपको कि जो लैंग्वेज कोर्स है वो एक्सटेंड वगैरह होता है। तो ये था इस वीडियो के अंदर, बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।